द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास के बारे में दिखाएंगे। क्यों द्रौपदी ने कुत्तों को ऐसा श्राप दिया, ये कहानी है महाभारत काल की। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको द्रौपदी की सुहाग्रात के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताए थे कि जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को घर लाए तो माता कुंती ने अपने किसी काम में व्यस्त होने की वजह से बिना देखे अनजाने में सभी भाइयों को आदेश दे दिया कि सभी भाई मिलकर बराबर बराबर उसको बांट लें। माता कुंती की बात का मान रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया था। दोस्तों, पांडवों में ये भी निर्धारित हुआ था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में होंगी तो उनके कक्ष में किसी दूसरे का जाना वर्जित होगा। इसी दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्तों को ये श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी और उन्हें खुले में सहवास करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि कोई दूसरा पांडव उस कक्ष में प्रवेश न करे। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार कर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने पांडव की पादुकाएं उठा ली और पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं, तो वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देख कर द्रौपदी शर्मिंदा हो गयी और बहुत ही क्रोधित होते हुए उन्होंने भीम से कहा कि उन्होंने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन ने अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतारी है। इस पर भीम ने कहा कि कोई भी पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंचे और देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं से खेल रहा था। दोस्तों, द्रौपदी को इस बात पर बहुत ही ज्यादा लज्जा महसूस हुई और उन्होंने क्रोध में आकर कुत्ते को ये श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते देखा है ठीक उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से ये माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं करते और द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया द्रौपदी के श्राप के बारे में। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिससे कि आपको हम इसी तरह के रोचक वीडियोस दिखाते रहेंगे।